हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन है शुक्रवार का और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा रसोई से। मैं यहाँ कर रही हूँ माता रानी के भोग की तैयारी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कन्या पूजन। वैसे तो हम कन्या पूजन करते हैं दुर्गा नवमी को, पर इस बार जो है दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी एक ही दिन मना रहे हैं सब, तो इसलिए हम लोग जो है आज ही कर रहे हैं। मतलब दुर्गाष्टमी भी आज ही करेंगे कन्या पूजन, और दुर्गा नवमी का भी कन्या पूजन आज ही कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ भोग बनाने की तैयारी में। भोग के लिए मैंने सबसे पहले खीर चढ़ा दी है, खीर बनाऊँगी, और काले चने ज़रूर बनते हैं माता रानी के भोग के लिए, तो बस वो बनाऊँगी। चने मैंने रात को ही भिगो दिए थे और अब इन भिगे हुए चने के मैंने जो है और देख लिया है इनमें कोई कंकड़ वंकड़ ना हो, अच्छे से मैंने इनको साफ़ कर लिया है। और कुकर में ही मैं बना रही हूँ, तो बस कुकर में अच्छा खासा तेल डाल दिया था, फिर ये भीगे हुए चने डाल दिए और अब इनमें डाल दूंगी सारे बेसिक मसाले। तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ इस तरीके से। सबका अलग अलग तरीका होता है देखो खाना बनाने का, मैं किस तरीके से बनाती हूँ वैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला मैंने कुकर ले लिया, और चने की जो ये माता रानी के जो भोग के चने होते हैं ना, ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो मैं ढेर सारे बना रही हूँ और घर में भी पसंद है। बाकी जो है आज का जो भोग बनता है ना वो बंटता भी है, मतलब काफ़ी जगह जो कन्याएँ भी आएगी उनको भी खिलाएंगे। खाली खैर कन्याएं तो थोड़ा थोड़ा ही खाती है, पर ये जो प्रसाद है ना वो बांटा भी जाता है, तो बंटने में भी काफ़ी लगने वाला है, तो इस वजह से मैं ढेर सारे बना रही हूँ। तो बस सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए और मसालों को साथ जो है चने को अच्छे से भून लेंगे। मतलब दो मिनट के लिए मैंने अच्छे से इनको भून लिया था, फिर उसके बाद इसमें डाल दिया पानी और अब करीबन 4-5 सीटियाँ लगा दूंगी और चने जो है बनके तैयार हो जाएंगे। तो खीर चढ़ा दिए, चने बना दिए हैं, और इधर जो है बुलबुल को भी बीच में मैंने तैयार कर दिया है नहला के, क्योंकि आज ये जाएगी देवी। हाँ जी, कंजक है, देवी मैया है आज ये, तो बहुत सारे घरों से इसके लिए बुलावा आया हुआ है, तो जल्दी ही इसको तैयार कर दिया था। मैंने कहा पता नहीं कौन कब लेने आ जाए, तो सुबह जल्दी इसको उठा के नहला के तैयार कर दिया। तो बस बुलबुल तैयार हो गई है और उसके बाद मैं आ गई फिर रसोई में, और अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा मैं बना रही हूँ ये नॉन स्टिक कढ़ाई में, ताकि जो है मैं मतलब और भी साथ साथ काम कर सकूं, इसमें चिपकने का डर नहीं रहता। तो हलवा वगैरह अगर मतलब कभी ऐसा होता है ना कि एक साथ मुझे ढेर सारे काम करने होते हैं, तो मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाती हूँ, ताकि इसमें जो है चिपकने का डर नहीं रहता और हल्की हल्की आँच पर अच्छा बन जाता है। तो बिल्कुल स्लो आँच पर मैं बना रही हूँ, अच्छा खासा घी डाल दिया है, और हलवे की रेसिपी वैसे मैंने कल परसों वाले व्लॉग में दे ही थी। और इधर हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प कर दी है, आज आटा जो है पूड़ियों के लिए हस्बैंड ने लगा दिया है, तो ये आज उन्होंने मेरा काम कर दिया। और वो क्यों कर दिया मैं बताऊंगी, चलो पहले हलवा बता देती हूँ। तो यहाँ पे सूजी को अच्छे से मैंने घी में भून लिया था बढ़िया सा, और उसके बाद जब सुनहरी हो गई सूजी, तो उसके अंदर मैंने डाल दिया गर्म पानी, और बस अब इसको धीरे धीरे पकने देंगे। और साथ में चने बना दिए हैं, खीर तो बनी रही है, खीर में तो कोई बनाने का वो रहता नहीं है, बस दूध गर्म किया था उसमें चावल डाल दिए, तो खीर तो पकती रहेगी। और वैसे कहते भी है खीर जितनी कड़ती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, तो मैंने सबसे पहले खीर ही चढ़ा दी थी। मैंने कहा खीर को पकने में करीबन 1-1.5 घंटा लगता है आराम से, तो अच्छी बन जाएगी। और इधर ये देखो मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा ये एक गैजेट मंगाया है, एक हाँ ये मैंने मीशो से मंगवाया है ड्राई फ्रूट कट करने के लिए, और सिर्फ 100 रुपये में मैंने मंगवाया है। और भी ढेर सारा सामान आया है मीशो से, वो मैं दिखाऊंगी आगे आपको किसी अलग से व्लॉग में। एक बार तो बस यही मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, और ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को ड्राई फ्रूट कटर, इससे बहुत अच्छी है ना ड्राई फ्रूट कट हो जाते हैं, मतलब हलवे वगैरह में डालने के लिए अगर हमको बारीक कट करना हो ना ड्राई फ्रूट, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये, तो बढ़िया है। मीशो से मैंने मंगवाया है, 130 रुपये का आया, पता नहीं 110 रुपये का आया ये। और जब वही बात है कि जब रसोई में फटाफट काम करना हो ना, तो इस तरह के उपकरण होने चाहिए हमारे पास, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि एक तो अकेले काम करना है और फिर इतना सारा भोग बनाना है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हो ना तो काम आसान हो जाते हैं। अच्छा, आज मैंने अर्ली मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट नहीं करा,
आज मैं सीधा नहा कर आई रसोई में, उसके बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट करा क्योंकि आज मैं हो गई थी थोड़ा सा उठने में लेट। करीबन 5 बजे मेरी आँख खुली, उठने तो वाली थी मैं 4 बजे, पर 5 बजे मेरी आँख खुली। वो भी क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत जो है 3-4 दिन से थोड़ा ठीक नहीं चल रही, 3-4 दिन क्या 1 हफ्ता हो गया। और तबीयत ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुझे फीवर है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे आ रही है वो क्या कहते हैं उसको अक्कल जाड़। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है कई बारी, मतलब मैं पेन किलर तो ले रही हूँ और डॉक्टर को भी मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसको निकलवाना ही पड़ेगा। मतलब इसका दर्द ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि एक साथ निकलती है, ये कभी कभी शुरू हो जाता है, और जब होता है ना इसका दर्द तो इतना भयंकर होता है कि उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो कल रात को तो इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि मैं पूरी रात ढंग से सो ही नहीं पाई, मैं पूरी रात दर्द में तड़पती रही। और फिर रात को जो है मैंने टैबलेट ली, पेन किलर लिया, फिर मेरी आँख लगी करीबन 2 बजे, 2 बजे मेरे को नींद आई। तो फिर मेरा सुबह फिर उठा नहीं गया मुझसे, मैं करीबन 5 बजे उठी थी। फिर मैंने सोचा अब उठने में लेट हो गई है और अगर अब मैं जो है अगर व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो फिर और लेट हो जाएगी। तो फिर मैंने मॉर्निंग का कोई भी रूटीन जो है शेयर मतलब शूट नहीं करा कुछ भी, बस मैं फटाफट मैंने घर की साफ़ सफाई करी और उसके बाद मैं सीधा रसोई में आपसे मिल रही हूँ। तो बस ये हुआ मेरे साथ। और अब देखते हैं ये दांत वाला, ये जो अक्कल दाढ़ वाला है दर्द है उसका मैं क्या करती हूँ। और खैर जी, अभी बातें करते करते मैंने खीर में भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे, इलायची वगैरह डाल दी थी, और इलायची के छिलके है ना मैं खीर में साथ में ही डालती हूँ क्योंकि उसका खुशबू बहुत अच्छी आती है, और फिर बाद में जब खीर पक जाती है तो वो छिलके मैं अलग से निकाल देती हूँ। तो बस खीर बना के मैंने और आंगन में छोड़ दी है ठंडी होने के लिए। तो जी खीर बन गई है, हलवा बन गया, चने बन गए, अब बारी आती है भंडारे वाले आलू बनाने की। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने तेल ले लिया है अच्छा खासा, उसमें और उसमें डाल दिया मैंने तेज पत्ता, और इधर जो है सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए मैंने तेल में ही, थोड़ा ठंडा करके उसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए ताकि जो लाल मिर्ची धनिया पाउडर है ना वो कच्चे कच्चे ना रहे, तो वो तेल में ही डाल के। और उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया, इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाली थी। बस फिर उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है मसाले को, आलू की सब्ज़ी के मसाले को। और इधर जो चने हमारे पक के तैयार हो गए थे, करीबन 6 सीटियां मैंने लगाई थी, और अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है थोड़ा सा गरम मसाला ही ऐड करा है, हाँ जी। और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने एक्स्ट्रा रखा है, एक्स्ट्रा क्यों रखा है क्योंकि अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये काचरी का पाउडर, जो काचरी मैंने सुखाई थी ना एक दिन, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी व्लॉग में, जो खट्टी होती है मतलब थोड़ा सा खट्टापन होता है, तो जहाँ पे मतलब कुछ लोग अमचूर डालते हैं और हमारे इधर डालते हैं ये काचरी, इससे खट्टापन अच्छा आ जाता है और चने बड़े घुले घुले बनते हैं। तो ये थोड़ी देर में काचरी है ना सारा पानी इसका सोख लेगी और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इन चनों में। तो काचरी मैंने डाल दी है, काचरी पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, आप चाहो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। तो हमारे जैसे बनाते हैं ना मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो इधर चने बन के तैयार हो गए, थोड़ी देर इनको पका लूँगी ताकि काचरी जो है ना वो पक जाए। और इधर अब मैं छील रही हूँ आलू। और हाँ, आज मैं रात को अच्छे से सो ही नहीं थी ना, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसी वजह से हस्बैंड ने भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी थी। वो तो कह भी रहे थे कि और भी मैं कोई हेल्प है तो मैं कर देता हूँ, मैंने कहा नहीं आप रहने दो। पर फिर उन्होंने आटा तो लगा ही दिया, बोले ला आटा मैं लगा देता हूँ। और अब वो कर रहे हैं अपनी पूजा की तैयारी और मैं कर रही हूँ यहाँ पर भोग की तैयारी। तो यहाँ पर आलू का मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए उबले हुए आलू, और ये भंडारे वाले आलू मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने आलू को ना मैश कर दिया है, भंडारे में इसी तरह की आलू की सब्ज़ी बनती है। तो बस ये ढेर सारी, वैसे बच्चों को तो ना चने की सब्ज़ी पसंद आती है, बच्चे इतने ज़्यादा कोई शौक से नहीं खाते आलू की सब्ज़ी नवरात्रि के दिन जो कन्या आएंगी वो। पर ये जैसे मैंने कहा ना कि मुझे टिफ़िन भी देने हैं, 3-4 जगह मैं टिफ़िन भी दूंगी, तो इस वजह से 2 सब्ज़ियाँ मैं बनाती ही हूँ, हर साल ही बनाते हैं मतलब नवरात्रि में। तो बस यहाँ पे लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है आमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और लास्ट में डाल दिया इसमें कसूरी मेथी। तो ये बढ़िया से हमारे भंडारे वाले आलू भी बन के तैयार हैं। तो बस ये बना लिए थे और अब मैं बना लूँगी झटपट पूड़ियाँ, और उसके बाद हम लेंगे माता रानी की जोत। जोत जो है वो सिर्फ लास्ट मतलब नवमी वाले दिन ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो वो उपला है वो मैंने रख दिया है गैस पे साथ का साथ ही, मैं उनका जब तक पूड़ियाँ बनाऊँगी ना तब तक जो है वो और जोत के लिए जो है धूप तैयार हो जाएगा। और इधर मैंने बना लिए पूड़ियाँ,
तो इस तरह से ये बनता है माता रानी के भोग में। आप लोग क्या क्या बनाते हो मुझे बताना कमेंट्स में, और आप लोगों ने कन्या पूजन कब करा वो भी मुझे बताना कमेंट्स में। आप लोगों ने भी अष्टमी वाले दिन ही करा या फिर मतलब नवमी वाले दिन किया है। तो जी यहाँ पे भोग बन के तैयार हो गया था, मैंने लगा दी थाली, ये देखो। तो आज के भोग में बनी है खीर, आलू की सब्जी, चने, हलवा, पूरी, और बस अब लगा देंगे माता रानी को भोग। नहीं नहीं, पहले हम लोग जोत लेंगे। तो पूजा जो है आज वो सारी हस्बैंड ने ही कर ली थी, जो हमारे 2 घंटे की सुबह की पूजा होती है ना, वो आज सारी हस्बैंड ने अकेले ही करी थी, क्योंकि मैं तो लगी थी भोग बनाने में। तो मैंने सारा भोग बना लिया, इन्होंने सुबह की पूजा कर ली सारी, और अब हम लोग जो है ले लिए हमने जोत माता रानी की। और माता रानी जो है मतलब ऐसे जोत हमारे जो है जल्दी ही आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि माता रानी तैयार ही बैठी है कि भाई चलो जल्दी से और मैं आ जाती हूँ, तुम बुलाओ। तो बस फटाफट जोत आ गई थी, तो हमने जो है माता रानी की जोत ले ली, और उसके बाद अब हो रही है आरती। और बुलबुल जो है 1-2 घरों में तो होकर आ गई है, मतलब कुछ घरों में तो सुबह जल्दी ही पूजा हो जाती है। सुबह 8 बजे ही बुलबुल निकल गई थी घर से, और 1-2 जगह तो वो होकर भी आ गई है। और अब हमारे यहाँ भी आ गई है देवी मैया है, करीबन अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, तो इतना टाइम तो हमें लग ही जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना सुबह 2 घंटे की तो हमारे घर में पूजा होती है, मतलब हस्बैंड करते हैं सारी, मतलब जो भी डेली की पूजा होती है उसमें 2 घंटे लगते हैं नवरात्रि की पूजा में। तो हस्बैंड ने वो पूजा करी, उसके बाद हमने जोत ली, तो करीबन 10:30 बज गए थे, और 10:30 बजे आ गई हैं सारी देवी मैयाएँ। हाँ जी, सारी तो नहीं आई है, क्योंकि आज जो है इनकी बहुत मतलब वो रहती है, डिमांड रहती है। ये यहाँ भी आई थी तो कह रही थी आंटी बस जल्दी करो जल्दी करो, हमें और भी घरों में जाना है। तो बस पर ये है कि बच्चों ने हाँ एक एक पूड़ी भी खा ली थी, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब बच्चों ने ले लिया, तो बड़ा मन को अच्छा लग रहा था। वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बच्चे कुछ खाएंगे या नहीं भी खाएंगे, क्योंकि वही है ना सुबह के निकले हुए हैं, तो 3-4 घरों में तो ये हो आए थे, पर फिर भी बच्चों ने खा लिया था, तो इस बात की मुझे तसल्ली थी। मैंने कहा चलो इन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लिया, और अब जो है हम लोग कर रहे हैं इनकी पूजा। और हाँ, इस बार जो है बच्चों के लिए मैं क्या गिफ्ट लेकर आई थी वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कल रात को, कल क्या मतलब 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है मेरे वो दर्द की वजह से, और मेरा थोड़ा सा मैं भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बाकी इस बार बच्चों के लिए लेकर आए थे पेंसिल बॉक्स, जो बच्चों को बड़े पसंद आए, और इन देवियों ने ना पहले ही अपनी पसंद के सबने पेंसिल बॉक्स ले लिए थे, तो सब लोग हाथ में लेके खड़ी है और सबने अपनी अपनी पसंद से ले लिए। तो वही है, बच्चे इस तरह के गिफ्ट से बड़े खुश हो जाते हैं। और ये है बुलबुल की फ्रेंड, और ये सब लोग जो है ना व्लॉग देखते हैं मेरे, तो इस वजह से ना ये कैमरा ऑन था, तो बच्चे थोड़ा सा जो है ना खुद को, बच्चों को ये हो रहा था कि आंटी कब आएगा ये व्लॉग, कब आएगा हम लोग खुद को देखेंगे और हमें बहुत सारे लोग देखेंगे। तो बच्चों को ये भी बड़ी मतलब इस चीज़ के लिए भी बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं। और हाँ, ये देखो ये 2 जो है ट्विंस है, हमारे परिवार में ही हैं, जैसे वो चिंकी मिंकी नहीं है क्या, वैसे एक टीवी पे आती है ना चिंकी मिंकी, दोनों जुड़वा बहनें, वैसे ही ये हैं। इनका नाम है मानवी और मनस्वी, तो ये हमारे परिवार की ही हैं। तो बस हो गया कन्या पूजन, बड़ा अच्छे से कर लिया मैंने। एक बार तो रात को लगा था कि दर्द की वजह से मैं कैसे कर पाऊँगी, पर वही होता है कि अगर माता रानी भी कई बार परीक्षा लेती है कि दर्द था पर फिर भी जो है, और सुबह तक मेरी हालत ठीक हो गई थी, पेन किलर वगैरह ले लिया था मैंने, 3-4 दिन से ले ही रही हूँ खैर पेन किलर, तो अब जाऊँगी मैं डॉक्टर के पास और मुझे लगता है उसको निकलवाना ही पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास कोई इलाज हो कि मुझे उसको निकलवाना नहीं पड़े और वो दर्द ऐसे ही ठीक हो जाए मेरा, तो उसका कोई इलाज हो तो बताना यार, मैं थक गई हूँ इस दर्द से, परेशान हो गई हूँ। कभी भी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कभी भी 2-4 महीने से ये दर्द मेरे जो है शुरू हो जाता है। खैर जी, हो गई कन्या पूजन तो हो गया हमारा, उसके बाद ये जो है मेरे जेठ जी की बेटियां भी आ गई हैं, इनका भी हम पूजन करते हैं, मतलब घर की जो भी बेटियां होती है ना आज के दिन सबका पूजन होता है। तो बस इन लोगों को भी बुला लिया था खाने पे, और खाना तो इन्होंने नहीं खाया था क्योंकि आज इनका भी व्रत था, तो अगर जिस दिन हम नवमी पूजन करते ना उस दिन तो ये यहीं पे खाना खाती है, इनको घर पे ही खाना खिलाते हैं, पर आज तो फिर इनके घर पे भी पूजन था, एक ही टाइम ये खाना खाने वाली थी, तो बस इनकी पूजा कर दी और इनको भी प्रसाद दे दिया था, इनसे आशीर्वाद ले लिया, और इस तरह से हो गई हमारी नवमी की पूजा। और
बस आज माता रानी का आखिरी दिन है घर में, तो थोड़ा सा वही है कि 9 दिन तो बड़ा अच्छा लग रहा था पूरा, मतलब सुबह शाम पूजा पाठ बड़ा अच्छा सा माहौल था, और आज माता रानी का आखिरी दिन है। चलिए जी, हाँ ये गिफ्ट्स दिए थे, अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और बुलबुल को देखो कितनी जल्दी है, उसने जो है अपना पेंसिल बॉक्स में सारे कलर्स वगैरह सेट भी कर लिए। बच्चों को कितनी जल्दी रहती है, वो कह रही है मैं यही लेकर जाऊँगी। हालांकि इसके पास बहुत सारी पेंसिल बॉक्स रखी है, पर फिर भी बच्चों को रहता ही है, बच्चे एक्साइटेड रहते हैं नई चीज़ों के लिए। तो इस बार जो है कन्याओं को और ये पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करे थे, बच्चे बड़े खुश हो गए थे, अच्छा लगा था बच्चों को। तो जी ये था आज का कन्या पूजन व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।